हम लोग स्टार्ट पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। ठीक, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मुझे सेमी सर्कुलर लूप दे रखा है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसके कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, करंट कैसे फ्लो कर रही है ऐसे करके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा? बाहर होगा। अब पूरा कंप्लीट लूप मान लो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे बाहर की तरफ। छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, डीएल वेक्टर इस तरफ होगा, करंट के डायरेक्शन में डीएल वेक्टर लेते हैं हम लोग, तो डी वी बराबर म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। यहाँ पे 4π भी आएगा, डीएल और आर के बीच में एंगल, आर वेक्टर किधर होता है ऐसे करके, तो db बराबर म्यू नॉट आई 4π डीएल आर साइन 90 बाय आर क्यूब। समझ में आ रहा है 90 क्यों लिया मैंने? जो एलिमेंट है डीएल और आर वेक्टर, आर वेक्टर आपका ऐसे होगा और डीएल है आपका इस तरफ, आर से आर कैंसिल, आर का स्क्वायर हो जाएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट आई 4π साइन 90 की वैल्यू 1, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा डीएल, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीबी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट आई 4π आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल जो है छोटा सा एलिमेंट है, तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई आर तक, तो यहां पे आ जाएगा आपका पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R। तो किसी सेमी सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R। डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन अगेन वही राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल से अपने अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन देंगे। बोलो आया समझ में? नोट कर लो इसको, चलो आगे देखें। तो सेमी सर्कुलर लूप से कर लिया हम लोगों ने, अब सेमी सर्कुलर लूप की जगह अगर मैं कोई भी एक सेगमेंट ले लूं, जरूरी नहीं लूप हो, कोई भी एक सेगमेंट ले लेते हैं, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, सेगमेंट लिया मैंने ये वाला, इस सेगमेंट में आई करंट फ्लो कर रही है, इस आई करंट फ्लो करने के कारण यहाँ सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालना है, इसकी रेडियस है आर। मान लो ये जो सेगमेंट है यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस सेगमेंट के कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो सिंपल सी बात है, बी बराबर म्यू नॉट, वही सिंपल सा एलिमेंट ले लेंगे डीएल, डीएल की डायरेक्शन है ऐसे, तो म्यू नॉट आई 4π आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे डीएल को 0 से लेके थीटा आर, इसकी लेंथ कितनी है? थीटा आर तक, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? आर का पॉन रेडियस, एल बराबर क्या होगा? थीटा इंटू आर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक आर्क, ये आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई 4π आर स्क्वायर इंटू थीटा, आर से आर कैंसिल,
तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई फोर पाई आर इंटू थीटा, थीटा शुड बी रेडियन में, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा किसके कारण, किसी भी लूप के कारण, लूप नहीं सॉरी, किसी भी सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर इंटू थीटा। समझ गए? नोट कर लो इसको। सेगमेंट है बस, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, मुझे पता है सर्कल का सेगमेंट है, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है। अगेन यहाँ पर डीएल एलिमेंट लूंगा मैं ऐसे, ये आपका डीएल एलिमेंट हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी बराबर जो सेम रिजल्ट आया था वही आएगा म्यू नॉट आई फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर। अब सही हो गया। इंट्रीगल डीएल जीरो से लेके, अब इसकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी टोटल लेंथ है एल, रेडियस है आर, तो एल बाय आर आपका होता है थीटा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा, जीरो से लेके एल तक एल की है आर थीटा। तो डी बी बराबर म्यू नॉट आई फोर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर, आर से आर कैंसल, ठीक है बी की यहाँ पे डीबी की जगह बी हो जाएगा, म्यू नॉट आई फोर पाई आर इंटू थीटा, ठीक है दिस विल द ये रिजल्ट रहेगा, इसको याद रख लेना। हाँ समझ में? यस। रब कर दूँ उसको? यस सर। अब लिखो प्रॉब्लम्स, बेस्ड ऑन रिंग एंड वायर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिंग एंड वायर, रिंग और वायर पर बेस्ड प्रॉब्लम। पहला सवाल देखते हैं हम लोग, सेंटर इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, अंदर वाली रेडियस है आर, बाहर वाली रेडियस है टू आर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सी फोर सेंटर, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना हम लोगों को, ठीक है। ये वाली रेडियस आ रहा है, बाहर वाली रेडियस तो सेमी सर्कल बन रहा है, ये इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी वन, डायरेक्शन जैसे बाहर तो छोटे वाले जा रहे, मान लो बी वन बराबर होगा
क्या फॉर्मूला आया था सेमीसर्कल का, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर आया था, डायरेक्शन किधर है, बाहर। बड़े वाले सर्कल के कारण, बड़े वाले सर्कल के कारण अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी टू म्यू नॉट आई फोर आर की जगह आएगा टू आर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस अंदर की तरफ। और ये वाला जो वायर है, ये और ये, अब इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड द सेंटर है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताया था पहले भी मैंने। अगर कोई वायर है और उसी के अलोंग पॉइंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण क्या होगा, जीरो, जीरो होगा सर। तो इस और इस एलिमेंट के कारण जीरो, और हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यस सर। बी नेट हो जाएगा बी वन माइनस बी टू, तो म्यू नॉट आई फोर आर कॉमन है, अंदर बचेगा वन माइनस वन बाई टू। तो फाइनली आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई, पाई नहीं आता ना हमें, नहीं पाई नहीं आता सर, सिर्फ फोर आर था। ठीक है, तो फोर टू जा एट, एट आर आ जाएगा। डायरेक्शन किधर, कौन बड़ा है, ये बड़ा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन। बोला आया समझ में? यस सर। नोट कर लो इसको। चलो आगे देखें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सेमी सर्कुलर है, करंट ऐसे आ रही है, आई करंट सेंटर पर रेडियस क्या आ रहा है, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालना। तो यहां पर इसको मैं तीन सेक्शन में तोड़ सकता हूं, यहां से लेके ये पूरा सेमी इनफाइनाइट वायर, फिर एक सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, फिर अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर। इसको बोल देता हूं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं सेकंड, इसको बोल देता हूं थर्ड। तो सबसे पहले करंट ऐसे जा रही है, अब इसमें करेंगे पाम रूल, करंट ऐसे जा रही है ऊपर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी वन होगा म्यू नॉट आई, सेमी इंफाइनाइट वायर के कारण आपको याद हो फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर होता है। म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिर लूप, लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, म्यू नॉट आई फोर आर अंदर, फिर लास्ट में बी थ्री, करंट जा रही है नीचे, सेंटर इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर। तो म्यू नॉट आई फोर पाई आर, इन सबको जोड़ देंगे, सबकी डायरेक्शन अंदर ही है, सबको जोड़ दो, आपका बी नेट आ जाएगा, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, सबकी डायरेक्शन अंदर ही है, सब जुड़ जाएंगे। यस। नोट कर लो उसको।
कर लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा 3D का। ये y एक्सिस, इधर ले लो x एक्सिस और इधर ले लो z एक्सिस। एक करंट है तो z एक्सिस के अलोंग आ रही है i, एक्स वाई प्लेन में एक लूप बना रही है और फिर ये करंट वापस से z डायरेक्शन में जा रही है। सेंटर ये है, रेडियस r, आई करंट की वैल्यू बताना है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन तीन सेगमेंट में तोड़ देंगे। सर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा ना ये भी? हाँ, लेकिन इसमें वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे लूप बन रहा है, फिर वापस आपकी तरफ जा रहा है, लूप ऐसे बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाला क्वेश्चन में करंट ऐसे जा रही थी, ऐसे लूप बन के ऐसे आ रहा था, उसी को बैंड कर दिया। तो इसको हम थोड़ा सा डायरेक्शन की मदद से करेंगे सॉल्व। ये वन, ये टू और ये थ्री। तो बी वन होगा सेमी इनफाइनाइट वायर, सिंपल सी बात है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अब डायरेक्शन तो देखो, प्लस जेड क्या होता है, ये वाला, ये एक्स होता है, ऊपर वाई होता है, तो करंट ऐसे आ रही है और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? करंट ऐसे जेड से आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे। नीचे क्या होता है? यस सर, ऊपर प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई होगा। माइनस वाई के लिए लिखूंगा मैं माइनस जे कैप, माइनस वाई के लिए लिखूंगा मैं माइनस जे कैप। ये आपका बी वन हो गया। बी टू, ये आपका एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में करंट ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। अंदर क्या आपका? माइनस जेड। तो म्यू नॉट आई फोर आर माइनस जे कैप, सॉरी माइनस के कैप होगा। क्यों? क्योंकि अंदर बोर्ड के अंदर क्या है? बोर्ड के अंदर के कैप, इधर बाहर प्लस के कैप, फिर वापस से करंट बाहर जा रही है जे की तरफ, जे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे। बी थ्री बराबर म्यू नॉट आई फोर पाई आर अगेन माइनस जे कैप। इन सबका वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना आता ही है, ये दोनों एक डायरेक्शन में, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, तो वेक्टर सम कर देंगे इनका, ठीक है ना? नोट कर लो इसको। चलो आगे देखें। यस सर, अब आता है इसके बाद सोलेनोइड। सोलेनोइड सर पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, सोलेनोइड
सोलेनोइड क्या होता है, जैसे मान लो ये आयरन का पीस है और इस आयरन के पीस के ऊपर मैं कॉपर का वायर वाउंड कर देता हूँ और उस वायर में मैं करंट, ये क्या बन जाएगा, एक सोलेनोइड बन जाएगा। yes, कोई भी मेटल के पीस में वायर को वाउंड कर दो, जनरली वैसे हम लोग आयरन लेते हैं, एयर भी हो सकती है, हवा में भी कर सकते हो आप लोग, उसको भी सोलेनोइड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेटल का पीस लिया मैंने, और इस पर मैं वायर वाउंड कर रहा हूं, ठीक है, करंट समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है? ऐसे ऐसे करके करंट घूमते हुए इसमें से बाहर आ रही है। इसकी टोटल लेंथ एल ले लो, इसमें मैं टर्न डिफाइन करूंगा स्मॉल एन, स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एन जो होगा, मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो सोलेनोइड है, अब इसके किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकाले, आई करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो क्या मैं इन सोलेनोइड को इस तरह से सर्कुलर लूप मान सकता हूँ? यस सर, सर्कुलर लूप के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता ही है। तो सोलेनोइड के लिए हमको यहाँ पर देखो, किसी पॉइंट पे मान लो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका एंगल मुझे दे रखा है, ध्यान देना एंगल कैसे दे रखा है मुझे, ये पूरा एंगल थीटा वन है और ये वाला एंगल थीटा टू है, बात समझ में आ रही है? तो मुझे जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड दे रखी है वो थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में दे रखी है, थीटा वन से थीटा टू लेंथ जो दे रखी है सोलेनोइड की वो थीटा के टर्म्स में, थीटा टू से लेके थीटा वन, सॉरी थीटा वन से लेके थीटा टू, ठीक है, थीटा वन से लेके थीटा टू तक हमको इसकी लेंथ दे रही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर जो वायर से, इन वायर से करंट क्या बाहर आपकी तरफ आ रही है, और जो नीचे वाला वायर से ऐसे घूमते हुए नीचे की तरफ जा रही है अंदर से, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो सोलेनोइड को मैं अगर मैं रिप्लेस कर दूं यहां पर, ये बना देता हूं कंडक्टर्स, कंडक्टर मतलब वायर, ये वायर है, नीचे भी वायर, तो ऊपर वाले वायर से करंट बाहर आ रही है, तो यहां पे लगाएंगे डॉट 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 डॉट, और नीचे वाले कंडक्टर से करंट अंदर आ रही है तो यहां लगाएंगे क्रॉस क्रॉस इस तरह से, मुझे ये वाला एंगल दे रखा है। तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा कितनी दूरी पर, x दूरी पे जाके एक एलिमेंट लूंगा, कितनी लंबाई का, dx लेंथ का, x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx दूरी का, और अगर मैं इसका एंगल फाइंड करने के लिए बोलूं तो ये थीटा है और ये पूरा एलिमेंट यहां पर d थीटा एंगल बना रहा है,
अगर मैं एंगल की टर्म्स में बोलू तो थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया हमने, आई बात समझ में? अब इस एलिमेंट में कितने लूप्स होंगे पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है एक लूप से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता ही है। तो इस एलिमेंट के अंदर कितने लूप है, इसकी लंबाई है dx, और मैंने बोला पर यूनिट लेंथ पर n लूप है, तो dx लेंथ पे लूप होंगे n इंटू dx, तो नंबर ऑफ लूप इन dx एलिमेंट, इन dx एलिमेंट इज, ये हो जाएगा n इंटू dx। बोलो बात समझ में आई क्या? इतने नंबर ऑफ लूप हो जाएंगे। एक सिंगल लूप के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर सिंगल लूप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको B1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर यहां पे मान लो एक लूप है, एक लूप के कारण x दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखा है फॉर्मूला कभी? किसी रिंग के कारण होता है ना, B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3/2। अब मुझे टोटल इस एलिमेंट में जितने लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे नंबर ऑफ लूप से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Then for magnetic field due to element dx is, that is dB बराबर number of loops and dx into B1। बात समझ में आ रही है क्या? टोटल नंबर ऑफ लूप्स इनटू B1, B1 की वैल्यू पुट कर दो, डीबी बराबर डीएक्स हमें पता नहीं है,